नमस्कार, मैं देव शोकन। आज का बड़ा मसला ये कि सीएम मनोहर लाल और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच एक विधायक एक पेंशन को लेकर शुरू हुए राजनीतिक विवाद की आंच सीएम के स्कूल तक पहुंच गई है। हरियाणा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आजकल जमकर स्कूल पॉलिटिक्स चल रही है। आम आदमी पार्टी ने सीएम के स्कूल की दुर्दशा पर तंज कसा था, जिसके बाद हरियाणा भाजपा ने आम आदमी पार्टी को रोहतक के भाली आनंदपुर गांव के स्कूल का दौरा करने का न्योता दिया था, जिसके बाद न्योता स्वीकार करते हुए दोबारा से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भाली आनंदपुर गांव के स्कूल में पहुंचे। आपके मध्य हरियाणा के संयोजक अश्विन दुल्हेड़ा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि आनंदपुर भाली गाँव के स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए ना तो बेंच हैं और ना ही कोई विशेष व्यवस्था है। बच्चे टाट पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। खटारा स्कूल की खटारा व्यवस्था खुद देखिए। इससे पहले जब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सीएम मनोहर लाल के स्कूल की दुर्दशा पर तंज कसा था, तो भाजपा ने जवाब दिया था कि सुशील गुप्ता जी पंजाब कम जाया करिए और केजरीवाल जी के साथ ज़्यादा वक्त ना बिताया करिए। इस ट्वीट के साथ ही भाजपा ने स्कूल की नई इमारत की फ़ोटो को भी शेयर किया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया था कि जिस स्कूल की आप फ़ोटो दिखा रहे हैं, वास्तव में ये फ़ोटो बाहर गेट की आपने शेयर की है। स्कूलों की हालत हरियाणा में किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर कुछ किया होता तो आज कुछ दिखाई देता। साथ ही आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि स्कूलों की वास्तविकता का पता चलते ही भाजपा के स्टेट ट्विटर हैंडल से आम आदमी पार्टी के स्टेट ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि बाद में जनता के दबाव में उसे अनब्लॉक भी कर दिया। इसके बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भाली आनंदपुर गांव में आने का न्योता दिया और कहा था कि शानदार स्कूल की बिल्डिंग और स्मार्ट क्लासेज को अपनी आंखों से आप खुद देखिए। राजनीतिक स्वार्थ के लिए हरियाणा के अंदर झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति का सहारा आप मत लीजिए। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पंजाब में एक विधायक एक पेंशन नियम लागू करने पर हरियाणा में भी इसे लागू करने की सलाह देते हुए ट्वीट किया था, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि केजरीवाल की बुद्धि ठीक नहीं है, उसे 24 अप्रैल को पानीपत में आकर गुरुवाणी को सुनना चाहिए। इसके बाद सोमवार को आम आदमी पार्टी ने सीएम मनोहर लाल के केजरीवाल की बुद्धि पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि जहाँ सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद पढ़े उस स्कूल की ये हालत है तो बाकी का क्या होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पंजाब विधानसभा के चुनाव से पहले पंजाब के स्कूलों का हाल दिखा रहे थे। अब गुजरात व हिमाचल के विधानसभा चुनाव से पहले भी सिसोदिया वहां के स्कूलों में पहुंचकर वहां का हाल दिखा रहे हैं। वहीं इसके उल्ट बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा भी दिल्ली के स्कूलों का हाल दिखाना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी द्वारा स्कूलों के मसले को प्रमुख चुनावी मुद्दे के तौर पर रखा जाता रहा है। अब फिर स्कूल पॉलिटिक्स को लेकर भाजपा व आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है और सोशल मीडिया पर भी जमकर एक दूसरे पर वार पलटवार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मसला।